आखिरकार विवादों से घिरी फिल्म ओ माय गॉड 2 आज रिलीज हो ही गई है। इसके बाद भी साधु संतों में इसको लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि जिस तरह से इसमें भगवान भोलेनाथ की छवि को प्रदर्शित किया गया है, उससे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बुंदेलखंड के साधु संतों ने तो ऐसे डायरेक्टरों पर जो फिल्म बना रहे हैं उन पर कार्रवाई करने तक की मांग कर दी है। मध्य प्रदेश संत समाज के प्रवक्ता विपिन बिहारी साथी जी महाराज ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आज की जो फिल्में बन रही हैं वो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में ऊट पटांग बातें दिखाई जा रही हैं। हम लोग तो पिक्चर देखते नहीं हैं पर लोगों से सुनते रहते हैं। तो जैसे कि सुना है कि उसमें अक्षय कुमार भगवान भोलेनाथ के रूप में हैं और किसी दुकान से कचौड़ी अचौड़ी खरीद के पैसे नहीं दिए। ये शुद्ध सनातन धर्म का अपमान है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भूत भावन भगवान आशुतोष हैं, महाप्रलयंकर हैं और जिस दिन उनका कोप ऐसे व्यक्तियों पर पड़ेगा तो संभलाए नहीं संभलेगा, फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और आगे आप लोगों को क्या स्टैंड क्या होना चाहिए फिल्म को? हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि ऐसे फिल्म बनाने वाले या सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम संत समाज, मैं मध्य प्रदेश संत समाज का प्रवक्ता होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूँ।